और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी जहाँ हम बात करते हैं फैशन ब्यूटी और डी आई की गाइस आज है बाल्डनेस ट्रीटमेंट का डे फोर जी हाँ तीन जो डे जा चुके हैं एंड तीनों में आप लोगों ने देख लिया होगा रेमेडीज मैंने शेयर की है वो हंड्रेड परसेंट इफेक्टिव है उसको आप लोग करना स्टार्ट कर देना एंड जिसने नहीं देखा है वो लोग ज़रूर देखना तीन डे दे, आज है फोर्थ डे एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गार्लिक जूस यस गार्लिक जूस है ये यानी लहसुन का जूस है एंड ये कैसे आपके बालों पे काम करेगा इसको कैसे लगाना है सब कुछ आगे मैं कंटिन्यू आपको बताने वाली हूँ इसके सभी फायदे जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा बहुत छोटी वीडियो होती है इतनी बड़ी नहीं होती है तो आप लोग पूरी देखा करिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और फिर आप जो वीडियो में मैं बोल चुकी होती हूँ सेम वही कमेंट आता है तो डियर आप लोगों को मैं वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए आपको बिल्कुल कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए आप यहाँ देख रहे हैं तो मैंने एक गार्ड एक पूरा जो होता है ना गार्लिक का वो पूरा उसको ले लिया है एंड उसके अंदर टोटल आप देख सकते हैं तो दस पंद्रह पंद्रह से ज़्यादा ही होंगे आई थिंक पंद्रह बीस के करीब ये जो गार्लिक है ये निकल गया था तो इसको अच्छे से आपको एकदम क्रश कर लेना है मतलब आप चाहे तो ग्राइंडर में भी डाल के कर सकते हो लेकिन ग्राइंडर में ज़्यादा कम की वजह से मुझे नहीं लगता एकदम वो हो पाएगा बट आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको जो बैटर लगता है वो कर लेना ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं इसी के अंदर इसको डाल के इस तरह से क्रश कर रही हूँ अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके फ़ायदे बताती हूँ कि एक्चुअल में ये बाल्डनेस पे कैसे काम करेगा ठीक है देखिए हर एक चीज़ है ना जो कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो बहुत ज़्यादा मैं सोच सोच कर लेकर आ रही हूँ ठीक है कि वो चीज़ आपके लिए हंड्रेड इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी ठीक है तो यहाँ पर जो गार्लिक है वो आपके हेयर पर जो आपके गंजापन है ना सिर में उसको दूर करता है गार्लिक लहसुन ठीक है और कैसे दूर करेगा बिकॉज इसके जो अंदर क्या होता है इसके अंदर एंटी माइक्रोवायरल होती है प्रॉपर्टीज जिससे आपके बालों में स्कैल्प में जो भी जर्म्स हो या कोई गंदगी है ना वो बिल्कुल नहीं होती है और जब गंदगी नहीं होगी तो जब डेंड्रफ है वो भी नहीं होगा और डेंड्रफ नहीं होगा तो फॉल नहीं होगा फॉल नहीं होगा तो बाल्डनेस की समस्या ही खत्म हो जाएगी समझ गए आप ठीक है तो ये आपकी बालों को एकदम क्लीन रखती है गंदगी को दूर रखती है इसके साथ ही साथ डेंड्रफ नहीं होने देती है बाल जो झड़ रहे हैं उसको रोकती है बालों को झड़ने नहीं देती है बिकॉज़ लहसुन जो है इसके अंदर सल्फर भी होता है बहुत ज़्यादा ठीक है ये सल्फ़र क्या काम करता है हमारे बालों में जो कैरेटीन होता है ना जिसकी वजह से हमारे बाल बढ़ते हैं उस कैरेटीन को और ज़्यादा एक्टिव कर देता है ठीक है सल्फर एंड इसके साथ ही साथ इसमें कैल्शियम होता है जिंक होता है सल्फर uh, होता है ठीक है तो जिससे आपके जो बाल हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें एक और होता है सेलेनियम, जिसका काम होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना और आपके बालों को एक न्यूट्रिशन देना हेल्दी ठीक है जिससे आपकी जो भी जड़ें हैं रूट्स हैं हेयर फॉलिकल्स हैं उनको एक नरिशमेंट मिलता है ठीक है और वो एकदम क्लीन रहते हैं साफ़ रहते हैं और हेयर की ग्रोथ है वो दोबारा होती है और हेयर रूट्स है वो मजबूत होती है आपको समझ आया ठीक है तो ये काम करता है गार्लिक इसलिए बाल्डनेस पर बहुत अमेजिंग इन्ग्रीडियंट है ये और सबके घर में है सबके पास मौजूद है ठीक है तो आप लोग आराम से इसको रेमेडी को यूज़ करना आपको हंड्रेड रिजल्ट मिलेंगे आपको नए जो हेयर है ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो लहसुन जो होता है गाइस वो गंजेपन के लिए बहुत असरदार होता है जिस तरह से अनियन होता है उसी तरह से लहसुन भी असरदार होता है बिकॉज़ इसमें भी भरपूर मात्रा में ल, व, सल्फर होता है विटामिन सी भी होता है इसके अंदर ठीक है तो आप लोगों को डे फर्स्ट सेकंड और थर्ड उन दो उन तीनों की रेमेडी देख लेना आप लोग यूज़ करना स्टार्ट करिए और हाँ मैं एक चीज़ आपको बहुत ही क्लियर बताती हूँ देखिए आपकी स्कैल्प है आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करेगी कौन सी नहीं करेगी ठीक है तो आपको थोड़ा भी डाउट होता है आप मेरी हर रेमेडी को पहले पैच टेस्ट कर लीजिए ठीक है उसके बाद में आप लोग यूज़ करिए देखिए लहसुन ये जो जिंजर है अदरक है ना इसके ऊपर एक कमेंट आया था कि दी मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी तासीर गर्म होती है और आपने तीनों गर्म चीज़ें डाल दी है तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा तो मैं आपको पहली तो फर्स्ट चीज़ तो ये बता देती हूँ कि जितनी भी नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है ठीक है फर्स्ट तो ये याद रखिए इसके बाद में सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प इचीनेस है सेंसिटिव स्कैल्प है तो ये आपको पता है मुझे नहीं पता मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ मैं इसे लगा कर देखती हूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ है ना तो आपको पता है कि हमारा स्कैल्प ऐसा है तो आप उससे पहले एक बार अपने ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा लेकर बस लगाइए स्कैल्प स्केल्पे आपको लगता है कि खुजली हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे मत करिए ठीक है ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आपका स्कैल्प कैसा है आपको ये चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी इसलिए मैं आप लोगों को बोल देती हूँ तो आप लोग पैच टेस्ट कर लीजिए और उसके बाद में यूज़ करिए और मुझे नहीं लगता कि किसी को साइड इफ़ेक्ट ऐसा कुछ हो सकता है बिकॉज़ ये सब नेचुरल चीज़ें हैं इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला है कि इस केमिकल की वजह से कोई रिएक्शन हो जाए ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो आप लगा सकते हैं आराम से तो यहाँ पर जो है और एक ने बोला था कि आपने सारी गर्म चीज़ें डाल दी है तो गर्म क्यों डाली अरे यार विंटर चल रहा है तो आपको सोचो मैं क्या आपके लिए ठंडी चीज़ लेकर आऊँ दही का पैक बताऊँ आपको आप लोगों में थोड़ा सा भी वो कॉमन सेंस नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं ना उनके लिए बोलूँ एक दो ही कमेंट कल आए थे कि ये ऐसा हो गया तो वैसा हो गया अरे यार विंटर चल रहा है इतनी तेज़ सर्दी हो रही है तो आप क्या गर्म चीज़ें नहीं खा रहे हो आप लहसन प्याज अदरक खाते नहीं हो क्या सब्जी में खाते हो ना एवरी सब्जी बनती है एवरीडे हम लोग ये चीज़ खाते हैं तब आपको गर्म नहीं करती वो बॉडी के अंदर जब आप उस चीज़ को खा सकते हो तो फिर आप लगा क्यों नहीं सकते और मैं एक और चीज़ क्लियर बोल देती हूँ कि जो जो चीज़ें हम खा सकते हैं उसको हम हमारे फेस पर और हेयर पर आराम से लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है जिसको आप खा सकते हो उसको आप लगा सकते हो बट लगाने का भी एक तरीका होता है क्या चीज़ें लगानी है क्या नहीं लगानी वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी ठीक है ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उठा के लगा देनी है ओके तो यहाँ पर आपने देख लिया है मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया है स्क्विज कर लिया है और पूरा जितना भी जो जूस निका है गार्लिक का वो जूस निकाल लिया है यहाँ आप देखेंगे तो ये चार से पाँच चम्मच जूस निकल गया था तो आपको एक चम्मच जूस ले लेना ठीक है ये अगर आप पूरे अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो आपको इतना ज़रूरत होगी लेकिन अगर आप सिर्फ उस एरिया पर लगाते हैं जहाँ से बाल उड़ गए हैं जहाँ बाल नहीं है सिर्फ वहाँ लगाना चाहते हैं तो फिर आप एक चम्मच जूस ले लेना और एक चम्मच ही आपको हनी लेना है यानी शहद शहद जो होता है वो भी उसकी भी तासीर गर्म होती है मैं आपको बता देती हूँ ठीक है इसलिए हम लोग विंटर में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हाँ इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है एक चम्मच ये और वैसे मैंने चार चम्मच जो जूस लिया ना इसमें मैंने हनी को एक चम्मच ऐड करा है ठीक है अगर आप जूस दो चम्मच लेते हैं तो भी हनी एक ही डालना अगर एक चम्मच लेते हैं तो भी हनी को एक चम्मच मतलब चम अ, हनी है उसका तो एक चम्मच ही आएगा बाकी जूस आप दो तीन चम्मच ले सकते हो इसको अच्छे से अच्छे से मिक्स करना है ठीक है उसके बाद में मैंने डेमो भी बताया तो आप वो भी देखना एंड मैंने गार्लिक ऑयल भी शेयर किया है अपने चैनल पर उसको यूज़ कर लेना वो बहुत अच्छा है मैंने यूज़ किया है मैंने अपनी सिस्टर को बना के दिया फिर से उसने यूज किया उसके सीरियसली बता रही उसके हेयर फॉल बहुत कम हो गया है एंड हेयर है वो काफी थिक हुए हैं स्कैल्प पे काफी अच्छे काफी न्यू हेयर्स आए हैं तो आप लोग गों को प्रॉब्लम है तो आप दोनों रेमेडी साथ कर सकते हो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है आप लोग गार्लिक ऑयल डालकर और चिश ब्यूटी डालना आप जो भी चीज़ सर्च करते हो मेरा नाम डाल दिया क्रो तभी आपके सामने वो एकदम से आ जाएगी आप कुछ भी सर्च कर रहे हो पीछे चिश ब्यूटी लिखो और आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको जो रेमेडी चाहिए गार्लिक चाहिए तो गार्लिक चिश ब्यूटी ब्लैक टी चिश ब्यूटी जिंजर चिश ब्यूटी बस ऐसे डालो और वो रेमेडीज आपके सामने आ जाएगी ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तरीका इसको अच्छे से देखना लगाना कैसे है ठीक है ये आपको लगाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ दिन में जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं उससे पहले ही इसको लगानी है और कम से कम आधे घंटे बस आधे घंटे इसको स्कैल्प के ऊपर लगा देना है जहाँ जहाँ आपका आ, बाल्डनेस है आपका गंजापन है जहाँ बाल उड़ गए हैं कम है चाहे आगे हेयर लाइन हो पीछे हो कहीं पर भी बाल नहीं है वहाँ पर इसको लगाना है ठीक है हाथ से लगा लीजिए चाहे तो कॉटन से लगा लीजिए और लगा कर और दो तीन मिनट के लिए मसाज करेंगे जिससे वो स्कैल्प के अंदर चला जाए और उसके बाद में आपको क्या करना है आधे घंटे छोड़ के और फिर हेयर वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं शैम्पू भी कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से मैं धीरे धीरे लगा कर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको इसी तरह से लगाना है उस एरिया पर आप चाहें तो पूरे सिर पर भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ठीक है और इस तरह से लगाइए और उसके बाद में हेयर वॉश कर लीजिए बस जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ ऐसे लगाते रहिए ठीक है थीके? तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई तो बहुत सारे लाइक करके जाइएगा सबके साथ शेयर कर देना जितने भी आ, आपके रिलेटिवस हैं जिनको प्रॉब्लम है सबके साथ शेयर करिए देखिए जो भी अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपकी हेल्प होती है हमेशा ठीक है इसलिए कभी भी रुकिए मत आप लोग वीडियो देखने के बाद में जल्दी से उसको फॉरवर्ड कर दिया करिए सब जगह ठीक है तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मिल रही है काफ़ी अच्छे अच्छे सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ बालनेस सीरीज़ चल रहा है इसका ये सीरीज़ खत्म होते ही मैं आपके लिए एक और सीरीज़ लेकर आऊँगी बस आप लोग रेगुलर करो आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है और रेगुलर करना ज़रूरी है ठीक है और डाइट साथ में लेनी है प्रॉपर नींद लेनी है स्ट्रेस नहीं लेना है ये सारी तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कसल की वीडियो में लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है बाय बाय